और बड़ी खबर मिल रही है त्रिपुरा से, जहां राज्यपाल बनने के बाद आज पहली बार राजधानी पहुंचेंगे रमेश बैस। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे रायपुर। रायपुर पहुंचने के बाद रमेश बैस का होगा भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा अनुसार बीजेपी रमेश बैस का अभिनंदन करेगी और कई सामाजिक और व्यापारिक संगठन भी एयरपोर्ट पे राज्यपाल रमेश बैस का स्वागत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा लगातार जुड़े हुए हमारे साथ फोन लाइन पे। हेमंत, राज्यपाल का स्वागत करने के लिए कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां कर रखी हैं, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं हेमंत? देखिए, राज्यपालों का ऐलान जब हुआ था नामों का, उस समय रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए थे। उस समय वो दिल्ली में ही मौजूद थे और आज वो पहली बार राज्यपाल बनने के बाद राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर भाजपा के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उनकी भव्य स्वागत के लिए तैयारी यहाँ पर की है। इसके अलावा जो अलग अलग व्यापारिक और सामाजिक संगठन है, वो भी रमेश बैस का स्वागत करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भाजपा छत्तीसगढ़ का कद्दावर नेता के रूप में वो माने जाते हैं। अभी वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उनका टिकट काट दिया गया था, वो 6 बार के सांसद थे, नाराज वो लगातार रहे थे, ये गुंजाइश बन रही थी और ये आसार दिख रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो जब कुछ दिन पहले जब राज्यपाल के नामों का ऐलान किया गया, तो उनको त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया। तो आज वो राजधानी करीब दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक और परंपरा के अनुसार भी उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको पहुंचने के वहां निर्देश दिए गए हैं और अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा भी उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल बनने के बाद वो पहली बार रायपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम होगा और उसके बाद जब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका स्वागत होगा, स्वागत करने के बाद वो कुछ भाजपा के दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा रमेश बैस एक ऐसे नेता है जिनका संबंध, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे अजीत जोगी जी जो पार्टी है उसके जो नेता और कार्यकर्ता हो, सभी से उनका संबंध उतना खराब नहीं रहा है, सभी से अच्छा संबंध उनका रहा है। तो सभी रमेश बैस को बधाई देने उनके बंगले भी पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। बालाघाट के